द कश्मीर फाइल फिल्म देखने के बाद दर्शक फूट फूट कर रोए। फिल्म मचा रही है जबरदस्त हंगामा। काफ़ी लंबे समय के बाद बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म आई है जो सबको फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर रही है, और वह फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। दरअसल ये फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है। फिल्म इतनी इमोशनल है कि दर्शक ये फिल्म देखकर ही फूट फूट कर रोने लगते हैं, और इतना ही नहीं, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्रिटिक्स ने भी यह फिल्म को काफ़ी सराहा है। अब आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या है फिल्म में। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म में अनुच्छेद 370 से लेकर कश्मीर के इतिहास और पौराणिक कथाओं पर भी बात की गई है। इस फिल्म में इस बात का जिक्र प्रमुखता से किया गया है कि कैसे राजनीतिक कारणों से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को सालों साल दबा कर रखा गया। फिल्म की कहानी 1990 के दशक से शुरू होकर मौजूदा साल तक पहुंचती है। दिल्ली में पढ़ रहा कृष्णा अपने दादाजी पुष्करनाथ पंडित की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए श्रीनगर आता है। कश्मीर के अतीत से बेखबर वो अपने परिवार से जुड़ी सच्चाई की खोज में लग जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात अपने दादाजी के चार दोस्तों से होती है। उनके बीच धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की चर्चा शुरू होती है, और कहानी पहुँचती है 1990 में। फिल्म में आगे दिखाया गया कि किस तरह कश्मीर की गलियों में आतंकी बंदूक लेकर घूमे हैं और कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। क्या बुजुर्ग क्या महिला आतंकी बच्चों तक को नहीं छोड़ते। फिल्म में यह दृश्य देख आपकी रूह कांप जाएगी। आप कल्पना करने लग जाएंगे कि कैसा भय का माहौल होगा उस वक्त। कश्मीरी पंडितों पर हुई तमाम हिंसा को दिखाती यह फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे उस वक्त राज्य का प्रशासन भी असहाय हो गया था। दोस्तों, ये फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आपने यह फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।